हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप मैथ पॉइंट में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुवचन बनाने के नियम। तो हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हमने इन 5ों के बारे में विस्तार से पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था वचन किसे कहते हैं और वचन के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है एकवचन और फिर बहुवचन। तो हमने इनके बारे में भी विस्तार से पढ़ा था। अब चलिए हम बहुवचन बनाने के नियम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुवचन बनाने के नियम, यहाँ गलत टाइप हो गया है, ठीक है, यहाँ होगा माँ। तो बहुवचन बनाने के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। तो पहला है विभक्ति रहित, ठीक है। और दूसरा है विभक्ति सहित, ठीक है। बहुवचन बनाने के 2 नियम हैं, पहला है विभक्ति रहित और दूसरा है विभक्ति सहित। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं एकवचन, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम बहुवचन। फिर यहाँ भी हम लिखते हैं बहुवचन, ये है विभक्ति रहित, ठीक है। हम इसको 3 भाग में बांट लेते हैं, और यह है विभक्ति सहित। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से। जैसे हमने एक वचन में लिखा गाय, ठीक है, तो विभक्ति रहित अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा इसका, गाय, ठीक है। और वही विभक्ति सहित में हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, गायों, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं नदी, नदी का बहुवचन क्या हो जाएगा, विभक्ति रहित में नदियाँ होगा, ठीक है। और विभक्ति सहित में इसका बहुवचन नदियों होगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही अब आगे भी देखते हैं अगला। तो पुल्लिंग शब्द से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। पुल्लिंग पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं इसमें। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पे एक कर देने से वो बहुवचन बन जाते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं हम पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पे, आ के स्थान पे अगर हम ए लिख देंगे, आ के स्थान पे ए कर देने से
कर देने से बहुवचन बनता है। ठीक है, कर देने से बहुवचन बनता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं इसको। तो जैसे हमने एक वचन में लिखा घोड़ा, ठीक है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? घोड़े हो जाएगा। ठीक है, आ के स्थान पे हमने एक कर दिया तो क्या हो गया, ये बहुवचन बन गया। जैसे हम दूसरा लिखते हैं हीरा, अगर हम इसको हीरा को अगर हम हीरे लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बहुवचन बन जाएगा। ऐसे ही लिखते हैं हम बच्चा, अगर हम बच्चे लिख देंगे तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा जो पुल्लिंग शब्द से है, पुल्लिंग शब्द से बहुवचन बन गया ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसी में एक अपवाद होता है, उसको हम देखते हैं। अपवाद में क्या है कि कुछ ऐसे भी पुल्लिंग शब्द हैं जिनका दोनों वचनों में एक ही रूप होता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम इसको अपवाद। कुछ ऐसे भी पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनका दोनों वचनों में एक ही रूप होता है, में एक ही रूप होता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा मामा, तो ये क्या है, मामा पुल्लिंग शब्द के दोनों वचनों में होगा। हम एक वचन में भी इसको लिख सकते हैं और बहुवचन में भी हम मामा ही लिखेंगे। ऐसे ही नाना, दादा, बाबा, ये सब क्या है, ये सब एक वचन और बहुवचन में दोनों सेम ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आगे हम देखते हैं दो नंबर, पुल्लिंग संज्ञाओं को छोड़कर अन्य स्वरों से, अंत होने वाले शब्द दोनों वचनों में एक ही रूप रहते हैं और वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से होती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में लिखते हैं हम। पुल्लिंग संज्ञाओं को छोड़कर अन्य स्वरों से अंत होने वाले शब्द दोनों वचनों में एक ही रूप में रहते हैं, दोनों वचनों में एक ही रूप रहते हैं, रूप
में रहते हैं, ठीक है, और वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त वाक्य क्रिया से होती है, क्रिया से होती है, ठीक है। चलिए उदाहरण से हम देखते हैं, इसको समझते हैं। तो जैसे हमने लिखा एक वचन में, क्या बालक पढ़ता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये वाक्य एक वचन में है। अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, बालक पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ एक बालक पढ़ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बहुत सारे बालक पढ़ने का बोध हो रहा है, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, साधु पूजता है, ये क्या है, ये एक वचन है। अब इसका बहुवचन बनाएंगे तो साधु पूजते हैं, क्या हो जाएगा, साधु पूजते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये बहुवचन बन गया। चलिए अगला देखते हैं हम, तीन नंबर, पुल्लिंग शब्दों के आ को ए में बदलने से विभक्ति रहित बहुवचन बनता है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, पुल्लिंग शब्दों के अंग को को ए पे चंद बिंदी में बदलने से विभक्ति रहित बहुवचन बनता है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल से देखते हैं हम, जैसे हमने लिखा धुआं, ठीक है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे धुआं। अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, धुएं होगा, ठीक है। अगर इसी तरह हम लिखें कुआं तो इसका बहुवचन कुएं होगा, ठीक है। चलिए ये हुआ पुल्लिंग से बहुवचन बनाने के नियम इतने हैं, ठीक है, हमने पुल्लिंग से बहुवचन बनाने के नियम देखे। अब आगे पढ़ते हैं हम, और आगे देखते हैं हम स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के नियम पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन, ठीक है। तो चलिए स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के हम नियम देखते हैं। तो पहला देखते हैं हम, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ का इ कर देने से वो बहुवचन बन जाता है, ठीक है। तो जो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ
कर देने से बहुवचन बहुवचन बन जाता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल से देखते हैं हम। तो जैसे हमने लिखा एक झील, झील क्या है, एक वचन में है और झील स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, झीलें होगा। ठीक है, इसी तरह हम कलम लिखते हैं, कलम, कलम का क्या होगा बहुवचन, कलमें। ठीक है, इसी तरह अगर हम लिखें गाय, गाय क्या है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है, तो गाय का क्या होगा, गायें हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लिखें रात तो क्या होगा, रातें होगा। ठीक है, ये है स्त्रीलिंग से बहुवचन बनाएंगे तो, और का अगर हम ए कर देते हैं तो वो बहुवचन बन जाता है। ठीक है, चलिए इसी में हम अगला देखते हैं कि स्त्रीलिंग शब्दों में आ का ए कर देने से बहुवचन बन जाता है। ठीक है, हमने पहला पढ़ा कि ओ का ए कर देने से बहुवचन बन जाता है, दूसरा आ का ए कर देने से भी बहुवचन बन जाता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्दों शब्दों में आ का ए कर देने से बहुवचन बन जाता है, बन जाता है। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने लिखा कथा, कथा क्या है, ये स्त्रीलिंग है और एक वचन है। ठीक है, तो इसका अगर बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, कथाएं हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह लिखे हम छात्रा, छात्रा क्या है, एक वचन है, तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, छात्राएं हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने लिखा परीक्षा, परीक्षा क्या है, परीक्षा एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, परीक्षाएं हो जाएगा। बहुवचन क्या हो जाएगा, परीक्षाएं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि स्त्रीलिंग शब्दों में आ का ए कर देने से वो बहुवचन बन जाता है। ठीक है, चलिए अभी इसी का हम अगला देखते हैं, तीन नंबर। तीन नंबर में क्या है कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पे अगर हम ईया जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में छोटी या बड़ी के स्थान पे अगर हम ईया लिखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो ये हम जोड़ दें, जोड़ देने से क्या हो जाता है, बहुवचन बन जाता है।
ठीक है, चलिए एग्जांपल से देखते हैं हम इसको। जैसे हमने लिखा टोपी, टोपी क्या है? टोपी एक वचन है, अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? टोपियाँ होगा। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें? इसमें बड़ी ई के स्थान पे अगर हम यह लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बहुवचन बन गया है। ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं नारी, नारी क्या है? ये भी एक वचन है, क्या हो जाएगा इसका बहुवचन? नारियाँ। ठीक है, तो चलिए ये देखें कि अगर स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई, छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पे या जोड़ दें तो क्या बन जाता है? वो बहुवचन बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम इसी में, चार नंबर। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या स्थान पर अगर हम या कर दें या जोड़ दें तो क्या बन जाता है? बहुवचन बन जाता है। ठीक है, चलिए हम इसको लिखते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, अंत में या के स्थान पर या पे चंद्रबिंदी। ठीक है, सही से बना देते हैं। ठीक है, जोड़ देने से क्या बन जाता है? बहुवचन बन जाता है। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने लिखा डिबिया, हमने डिबिया लिखा, डिबिया क्या है? एक वचन है, हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिबी या। ठीक है, यह हो गया इसका बहुवचन। ऐसे ही हम लिखते हैं बिटिया, बिटिया क्या है? एक वचन है, अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? बहुवचन होगा बिटिया। बिटिया, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम इसी में, आगे पांच नंबर। कभी कभी संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूपों में गण, वृंद, जन, वर्ग, लोग शब्द जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसके बारे में। कभी कभी, कभी कभी संज्ञा के पुल्लिंग पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूपों में गण, वृंद, जन, वर्ग, लोग शब्द जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा गुरु, ठीक है, गुरु क्या है? एक वचन है, अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? गुरु जन होगा। ठीक है, गुरु जन, तो इसमें क्या हुआ? हमने जो पुल्लिंग है, संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में अगर हम
गण, वृंद, जन, वर्ग, लोग आदि शब्द जोड़ते हैं तो क्या बनता है? बहुवचन बनता है। ठीक है, तो गुरु का होगा गुरुजन। वैसे ही अगर हम लेखक लिखते हैं, लेखक, तो लेखक क्या बहुवचन होगा? तो लेखक गण होगा, लेखक गण। ठीक है, ऐसे ही अमीर अगर हम लिखें, ठीक है, तो अमीर का बहुवचन क्या होगा? अमीर लोग होगा, अमीर लोग। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ देखते हैं, हम आगे ही पढ़ते हैं तो हम यहाँ नोट लिखते हैं। ठीक है, दो नोट लिखेंगे यहाँ पे, नोट। तो क्या होता है कि हिंदी में कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो सर्वदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको, हिंदी, हिंदी में कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो सर्वदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं हम। तो छाया, छाया इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। ठीक है, ऐसे ही क्रोध, फिर सोना हम लिखते हैं, सोना इसका भी प्रयोग सर्वदा एक वचन में किया जाता है। फिर सामान, इसका भी प्रयोग एक वचन में किया जाता है। पानी लिखा हमने, पानी का भी प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जनता, ये भी क्या है? एक वचन है। ऐसे ही आदि। ठीक है, तो इन सब का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। ठीक है,